पूरे टाइम चले ही है, भागे तो है नहीं। BGX गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ ब्रांड न्यू व्लॉग। बहुत ही सुबह सुबह उठे हैं, कुछ 6 बजे, इतने दिनों बाद। ऑनेस्टली बताओ तो मैं ज्यादा सोया नहीं, ठीक है, और बहुत लिटिल लिटिल सोया, सिर्फ 3.5-4 घंटे ही सोया हूँ, बट सारे काम करने के बाद ही सोया, बट तभी फ्रेश लग रहा हूँ एकदम फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि आज है मैराथन। 1 घंटे में 6 से 6:15 के बीच के अलार्म्स लगा रखे, 6 बजे वाले में नहीं उठा, 6:15 वाले में मैं उठा, बट उठ के मुंह हाथ धो के अभी 6:30 कुछ हो गए हैं। अब थोड़ी देर में जाएंगे मैराथन के लिए, जो सोसाइटी में इंडिपेंडेंस डे के लिए मैराथन, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। जब तक आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे हो ही गया होगा। तो प्लान ये है, मैराथन के बाद हम जिम चले जाएंगे, डायरेक्ट लेग डे कर लेंगे, और लेग डे के बाद हम डायरेक्ट एक छोटी सी राइड के लिए चले जाएंगे स्कूटी पे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। आज फिल्टर है कि हम बर्थडे शॉपिंग के लिए भी जाएं, अगर होपफुली गए तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं गए तो कोई ना, बट चलो अभी है आधा घंटा, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, बस सोने की ट्राई नहीं करते। चलो जी, लकीली नहीं सोए और मतलब प्रॉपर चेंज चूंज कर लिया है, मम्मा को बताने के, उतने मैम ही उठ के बोल रही मम्मा हम नहीं चल रहे, ये सारे मैटर में इसकी नींद खुल जाती है, और वैसे खुलती इसकी अगर इसको उठाने जाओ तो। पूरी सोसाइटी में तिरंगे 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 लगा दिए और बैलून्स भी लगा दिए, और एक्चुअली ना ये सारे एग्जिट्स बेसमेंट से आने वाले ना ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए, जो अच्छी बात है, सेफ्टी के लिए कर रहे हैं एक्चुअली, तो जो बढ़िया भी है। मैं तो बस वहां तक के लिए स्कूटी लेके जा रहा हूं, क्योंकि उसके बाद फिर वहां जिम जाएंगे, यहां से घूम। भाई बोला तो था कि इवेंट इस साइड हो रहा है, लेकिन आवाज उस साइड से आ रही है। अरे गो हो गया, गो रन था कि वॉक था, बस टाइमिंग हल्की सी मैच हुई है, पहुंचा ही भागना शुरू। भाई चलो भाई, कह रहे वॉक 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 में चल रहा हूँ, मैं नहीं भाग रहा अभी। बच्चों वाले स्लॉट में पक्का पॉज ले लेके करवाएंगे, छोटे बच्चे बहुत सारे ना भाई, मैराथन में तो भागते ही है। बच्चों वाले स्लॉट में तो मैंने पास ऑन कर दिया, बड़े लोगों वाले स्लॉट में भागूंगा, मेरे को नहीं जमा भाई, उसमें चला दौड़ा। वो बच्चों वाला मैंने कहा ना, बच्चे होंगे छोटे तो पॉजेस के साथ ही चलेंगे, मेरे को नॉन स्टॉप भागना स्टैमिना बिल्ड के लिए। अच्छा बड़े लोग भाग पड़े भाई, जस्ट टू बी क्लियर, बड़े लोग भाग रहे हैं या बूढ़े लोग भाग रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन सी हो रखी है। ये वाली आंटी की थी, वो वाली अंकलों की आगे, अंकलों वाली में भाग रहा हूँ मैं, इस वाले में भी चलना ही है, मैं वो छोड़ गया बच्चों वाला, इसमें भागना होगा, इसमें भी नहीं भाग रहे यार, ये अलग ही स्कैम है यार, भागने की तमन्ना खत्म हो गई, अब तो मैं चलूंगा पूरे टाइम, सबसे आगे निकलेंगे। भाई भागते हो बड़ा भारीपन सा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों, यूजुअली इतना लगता नहीं है। लक्ष्मी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया इस मैराथन में, जो कहीं की मैराथन नहीं रही, और ऑलमोस्ट एट द एंड ही पहुंच गए हैं हम, पूरे टाइम चले ही है, भागे तो है नहीं, मैं वो बीच में जो मैंने हल्का सा पैच भागा बस वही था, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। बेवकूफ बन गया प्राइस के नाम पे, तो और भी तगड़ा बेवकूफ बोला था प्राइस मिलेगा, तो उसी चक्कर में मैं ही ले आया था, मैं चॉकलेट मिल रही है बस, जय जय। भाई हो गई मैराथन, पीछे लोग फोटो के जाने के लिए रोक रहे हैं, और वैसे और परफॉर्मेंसेस है, मैंने कहा ये सब छोड़ो, अपने को जो था मेन वो हो गया, अपना मस्त वार्म अप हो गया, वही चाहिए था, रिफ्रेशमेंट्स में सैंडविच और एक फ्रूटी देती, वो भी खा पी लिया, स्कूटी उठाते हैं और जिम जाते हैं। पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में 9 रिप्स, अब 200 मारना, इसके बाद अब नेक्स्ट लेग्स लेग डे में 200 किलो मारेंगे। बट भाई हो गया, हाल बैंड बच गई थी, वो डर रहता है कि लेग प्रेस एक बार अगर गिर गई ना अपने ऊपर तो खत्म सही नहीं है। 10 विद अ वेरी साइलेंसर, पैर चलते चलते बचा, गरम गरम साइलेंसर लगा बाइक का। हाँ तो डन विद अ वेरी फ्रूटफुल एंड अ ग्रेट वर्कआउट, अब निकलते एक शॉर्ट राउंड के लिए 10-15 मिनट के लिए, थोड़ा बॉडी कूल डाउन कर दो, तो फायदा नहीं होगा, कूल डाउन होगी नहीं क्योंकि धूप है, बट स्टिल खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए निकल जाते हैं। एंड फाइनली वी आर अप आफ्टर अ वेरी लॉन्ग नैप, और मेरे को दिख रहा है आज के मेरे सारे प्लान से पानी फिरता हुआ, क्योंकि हर बारिश हो रही है या हो चुकी है, लेकिन मौसम ठंडा हो गया, ये अच्छी बात है। नहीं छोड़ूंगा तो क्या करूंगी, ए मारो मत, छोड़ देना, नहीं छोड़ दो ना, पकड़ा ही नहीं है मैंने, पकड़ा ही नहीं है, अब गिरा यार, मेरे हाथ ही नहीं है, मैं बिना हाथ का हूँ, नहीं वो हाथ, हाँ हाँ हाँ, पकड़ू दांतों से, पकड़ू आज दांतों से पकड़ता हूँ, देखो देखो छुआ तक नहीं है, उसके हाथ भी चिल्ला गई, नौटंकी है ये एक नंबर की, पहले किसी को पता लग जाए, हाँ पहले किसी को पता लग जाए, उससे पहले मुझे आके बचा ले, कौन बचा ले, कोई भी, क्यों बचा ले, क्योंकि मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा, इंजन चालू कर दो आप, बुम 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 बुम।
यहाँ से मारो ना पीपी करने के लिए। अच्छा पीपी पीपी। चलो जी नहा के मुँह चुके रेडी, दवाई भी लगा ली है, निकलते शॉपिंग के लिए। पहले तो प्लान था कि सिलेक्ट सिटी वॉक साकेत जाएंगे। हियर टू मच रेनिंग सो आई थिंक जाम इज गोइंग टू बी देयर। जाम का मेरे को सीन लग रहा है तो इसलिए मैं शायद से साकेत वाले प्लान में बाउंस करूँ। अभी तक मैंने रूट नहीं देखा है, बट अगर जाम हुआ तो फिर मैं अपने यहाँ मॉल ऑफ इंडिया ही चले जाऊंगा पास में, वहाँ जाके शॉपिंग कर लेंगे। मेन रीजन सिलेक्ट सिटी जाने का ये टिमोटन खुल गया और वहाँ जस्टिन बीबर की टिम बिब्स वाली ड्रिंक भी आई है, तो वो ट्राई करनी थी मेरे को। बट चलो पास ऑन करते, अभी भी कुछ नहीं पता, नीचे उतर के एकदम से पलट सकता हूँ अपने उस पर। क्या बोलते हैं डिसीजन? अब एक बार पहले एक म्यूचुअल रूट से बाहर निकलते, फिर बाहर निकल के अब देखते हैं एक बार वापस रूट। यार मेरा मन बहुत है साकेत साइड जाने का, ये बड़ा टाइम हो गया। दिल्ली साइड हमने अभी तक इतने दिनों से चक्कर नहीं मारा, तो एक राउंड भी हो जाएगा। एंड एट द सेम पॉइंट सुनने में आ रहा है कि वहाँ वाले एचएनएम में ज्यादा स्टॉक है। एंड एट द सेम पॉइंट में जस्टिन बीबर वाली ड्रिंक भी ट्राई कर लूंगा। एंड एट द सेम पॉइंट अगर मैं यहाँ भी जाऊँ तो यहाँ स्टारबक्स में मेरे पास फ्री बर्थडे मंथ की एक ड्रिंक है, जो फ्री ड्रिंक है तो बीबर वाले बट शॉक बड़ी चीज है ना बोलते, जैसे वही है। अब एक बार रूट देख लेते हैं। 21 किलोमीटर यहाँ से 50 मिनट, यहाँ से 46 मिनट। ऑनेस्टली कोई सेंस ही नहीं है इतनी दूर चले जाऊँ, है ना। चलो वहाँ ऑब्वियसली सामान मिल जाएगा यार, इतना बड़ा मॉल है सब मिलेगा, बट इतनी दूर चले जाऊँ, बारिश है भी हो रही है, मौसम का कुछ पता नहीं है, तो रेनकोट है, बट स्टिल यार हो तो जाएगी शॉपिंग में, तो डिसअपॉइंट तो वहाँ जाके नहीं हूँ मैं। समय बहुत कंफ्यूज हो रखा है इस समय, क्या ही पागल हूँ यार मैं, फ्लो में इस रूट पे आ गया। ये ठंडी ठंडी हवा मेरी कोमल सी त्वचा को जो छू के जा रही है और जो स्वाद दिला रही है, हम क्या बताएं ये फीलिंग, वो दिल गार्डन हो गया। आना जाना मेरा आराम से हो जाएगा यार। एक काम करते हैं, लेट्स गो सिलेक्ट सिटी वॉक, बर्थडे शॉपिंग अच्छे से कर ही आते हैं यार। लगाओ सिलेक्ट सिटी वॉक का रूट ही लगाओ यार। अगेन अ चेंज ऑफ प्लान, नहीं जा रहे साकेत, नहीं जा रहे, कि मैंने वही सोचा घर पे, मैंने बोला हुआ है कि मैं डीएलएफ जा रहा हूँ मॉल ऑफ इंडिया, तो साकेत क्यों जाऊँ, वो तो मम्मी पापा उसके लिए भी कुछ नहीं कहते, बट इतनी दूर जाना मेरे को सेंसिबल लग नहीं रहा। और मेन कॉन्सेप्ट है मेरा वो टिम हॉर्टन्स पीना, वो फिर कभी फीलिंग है। शॉपिंग तो मैं यहाँ भी कर लूंगा करने को तो, और यहाँ से भी और दूर है, और प्लस आगे बहुत जाम है क्योंकि बहुत पानी भर रखा है। यार क्या इंसान हूँ यार मैं, मतलब एक चीज पर टिक ही नहीं सकता। ईगल साढ़े बस दी ना है, ओए बस, ओए शिट भाई, बस ने जो कट मारा एकदम से, और अभी देखो कट मारे जा रही है भाई। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हुई है, अभी बहुत तेज हुई है मेरी हार्ट बीट, मैंने जो डॉज करा भाई। शिट मैन, शिट 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 शिट। यार सेल मिल जाए कहीं किसी स्टोर में, लेकिन यहाँ लड़के कपड़े सस्ते हो, सस्ते स्टोर में सेल, ओहो मजा। सबसे फेवरेट प्रोसेस होता है उधर की, वो पार्किंग टिकट लेना, वो जो फोटो होते जब आते ना गाड़ी में, भी अभी भी आता हूँ एमी, हमें लड़ते हैं इन चीजों पे कि मैं लूंगा टिकट, मैं लूंगा, तू नहीं, मैं लूंगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, फेवरेट टिकट दे, टिकट जल्दी, टिकट जल्दी, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे। वैसे तो मास्क वाला सीन वापस चालू हो गया पब्लिक प्लेसेस के लिए, बट वो दिल्ली वाला है, नोएडा का रूल नहीं है, तो इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना। अगर होगा तो फिर अंदर से एक मास्क ले लेंगे, और क्या। स्पेशली अभी पहले मैं शॉपिंग से पहले मैडम के साथ गया पूछने के लिए, प्राइस तो चलो हाई था, बट मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने बीबर से बीबर के लाया, एक वो बस बीबर दिखा दो आप मेरे को, और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं वो कन्विंस हो गए थे, बट पीछे से उनका कोई एम्प्लॉय आ गया या सीनियर आ गए, वो फ्लिप मार गए एकदम से, सर नहीं सर अथॉरिटीज के अगेंस्ट है ये वो। वरना एक पॉइंट तक वो बहुत ही तगड़ा कन्विंस हो गए थे कि हाँ चलो दिखा दो आपको 2 मिनट के लिए बीबर। एक यहाँ पे 699 के व्हाइट प्लेन टी शर्ट, और सेम ये प्लेन व्हाइट टी शर्ट यहाँ है सामने ले रहा है 399 की, सेंस है। इस बार तो भाई अपने मतलब के आर्टिकल्स भी नहीं मिल रहे, मतलब एक शर्ट मिली है वो क्या बोलते 399 वाली, बाकी सारी सोल्ड आउट है, क्या है कुछ नहीं पता। H&M से सिर्फ दो चीजें ही ली मैंने, मैंने मेरा टारगेट था कि 3 टी शर्ट उठाऊंगा, क्योंकि टोटल से भी मेरा सेम बिल ही आ रहा था, और ये लेने के बाद भी सेम बिल ही आया। अभी और भी स्टोर्स देखते हैं, कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल जाते हैं वहाँ, देखते क्या सीन है, क्या स्टॉक मिल रहा है। 70% ऑफ दिखा रहे हैं यहाँ, ठीक है, H&M में 70% ऑफ था कुछ आर्टिकल्स पे, वो आर्टिकल्स लेकिन 2000 प्लस वाले थे, उन पर 70% ऑफ था। ज़ारा में ये बाय चांस मेरे को लास्ट पीस मिला, और मतलब एकदम अच्छे प्राइस पे ये मेरे को मिल गया बाय चांस, अच्छा भी लग रहा है एकदम, मतलब प्रॉपर फैशन भी कर सकते हैं इससे, है ना। बस पता डर क्या लगता है ऐसे कोई ऐसे करके देखना ले अगर आप चेंज कर रहे हो। हम टिम हॉर्टन्स तो नहीं जा सके बीबर वाली ड्रिंक ट्राई करने के लिए, बट बीबर वाली ड्रिंक मैं स्टारबक्स भी ट्राई कर रहा हूँ, वनीला कोल्ड ब्रू। कोल्ड ब्रू तो मैं डेली बेसिस पे पी लेता, मतलब वनीला कोल्ड ब्रू इट्स मोर गुड, और मजा आ रहा है ये वाली पीने में। अब से कोल्ड ब्रू कैंसिल, अब से वनीला कोल्ड ब्रू कैंसिल, फ्री ड्रिंक का मजा ही कुछ और है भाई। चलो बर्थडे के जो उसके लेने थी वो भी हो गई, अपने बर्थडे की शॉपिंग हो गई, दो शॉपिंग साथ साथ में। गिफ्ट लेने में सोचता था मेरे को टाइम लग गया, अपने लिए उसके लिए, क्योंकि मैं दूसरी बार मिनी सू आया, पहली बार जब आया कुछ समझ नहीं आया, फिर मेरे को एकदम से क्लिक हुआ और ज़ारा चले जाता हूँ, जहाँ से मैंने मतलब मेरे को अपने शेड्स मिल गए जैसे मेरे को चाहिए थे एकदम से, मतलब मेरे को बहुत टाइम से वो चाहिए, 1500 हर जगह मिल रहे थे, ज़ारा में वो सेम शेड्स 1500 वाले 280 मिल गए, सेल पे काउंटर पड़े पड़े मैंने ग्रैब कर लिए, फिर भागा भागा दूसरा पेयर उठाने के लिए, वो लास्ट पेयर ही मेरे सामने कैंटीन ले लिया। फिर मैं इधर आया, मैंने मिनी
सैमसंग में आके कुछ ले लिया, बढ़िया से दो चीजें टिया के लिए, मतलब ठीक है अब निकलते घर, हो गई अपनी अच्छी शॉपिंग। ऑनेस्टली होता था पहली बार मैंने कुछ ज़ारा से लिया है, पहली बार मतलब स्टोर में तो जाता था देख के आता था समझ नहीं आता था, एक्सप्लोर जब किया ना ज़ारा को तब मेरे को समझ में अच्छा ये चीज होती है ज़ारा को, क्योंकि मैंने ज़ारा को एक्चुअली कभी एक्सप्लोर नहीं, वो एक आधा आइटम देखा और उसका ही प्राइस देख के बाहर निकल गए। जब पूरा सर्च अप किया अच्छे से तो समझ में आया ज़ारा का भी प्रोसेस। तो हम लाए एक तो ये शर्ट जो हमने फाइनलाइज करी थी, अब इसका एक्चुअल प्राइस देखो आप ये, और इसके आगे तो दो हटा के मेरे को इतने में मिली, और ये सेम आर्टिकल दूसरे कलर में विद सेम पैटर्न इस प्राइस का मेरे को मिल रहा था, और ये सेम आर्टिकल दूसरे कलर में इस प्राइस का मिला, मेरे साइज में आखिरी था ये, लकीली मेरे ने बस उठा लिया। ये ग्लासेस का प्राइस देखो, ये हो गई अपनी ज़ारा से शॉपिंग, ज़ारा से हमने जरा सी शॉपिंग करी और लाइफ में पहली बार करी हमने। ये अपना H&M से सामान खुल गया, तो हमने लिए 15% ऑफ वाला कूपन के लिए हमने एक मोजा ये लिया टाको वाला, एक मोजा हमने ये ले लिया क्योंकि वो 15% ऑफ चाहिए था, और थोड़ा ऐसे अतरंगी मोजे अच्छे लगते हैं, मतलब पहली बार दूसरी बार ले रहा हूँ मैं ऐसे, ये दो ले लिए और एक ये टी शर्ट ले ली मैंने मस्त सी। चलो यार आज के लोग हीरा पॉप करते हैं, अभी शॉपिंग वॉपिंग तो सब आराम से हो गई थी ना, अब हमने सारा कर दिया, बस सुबह स्कूल के लिए रेडी होना, तो मैं ये प्रेस करूंगा, रिस्क ले रहा हूँ बहुत बड़ा कि स्कूल ड्रेस में प्रेस कर रहा हूँ, टचवुड कुछ भी ना जले ना ड्रेस ना कुछ। एंड आज के लोग हीरा पॉप करते हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियोस, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके चैनल अगर मन करे तो। दे वी बॉय के वन साइनिंग ऑफ इन कलकत्ता से, देख लेना बाइकल्स मिलते बहुत ही वीडियो ब्लॉग के साथ, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन। मैंने बहुत गिफ्ट रिवील्स करे तो अपना कोई टेंशन की बात ही नहीं है, शर्म ही नहीं आती मेरे को गिफ्ट रिवील करते हुए।